नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल शर्मा इस समय मंडोली रोड मार्केट में हूं। आज 26 तारीख का दिन है। व्यापारियों ने, पूरे देश भर के व्यापारियों ने बंद का आह्वान किया था, भारत बंद का आह्वान किया था। लगभग 8 करोड़ से ऊपर व्यापारी वर्ग आज के इस भारत बंद में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कहीं बाजार खुला हुआ है तो कहीं बाजार बंद है। मांग लगभग जो सुनने में आ रहा है कि GST में संशोधन को लेकर के, इसलिए इन्होंने भारत बंद का आह्वान किया। हमारे बीच में अध्यक्ष बिन्नी वर्मा जी, इनसे बात कर लेते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज बंद को लेकर? देखिए, जैसे कि प्रवीण खंडेलवाल जी जो हमारे CIAT के महासचिव है, उनके आदेश अनुसार सभी व्यापारी भाइयों तक ये सूचना पहुंचाई गई थी कि आज 26 तारीख को एक बंद का आह्वान किया जाएगा, जिसके मुख्य कारण है GST में लाए गए नए नॉर्म्स जो काफ़ी संख्या में ज़्यादा है। उन्हें समझना और उनको पालन करना थोड़ा कठिन है। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स की भी हड़ताल की बात रखी गई थी। इसके विषय पे उनके दो वॉलंटियर्स ने हमारे सभी आसपास की मार्केट्स की मीटिंग ली और वहाँ यही डिसाइड हुआ कि हम अपनी मार्केट में बंद रखें। लेकिन मिला जुला असर देखने को मिल रहा है, चाहे रोहतास नगर हो, लोनी रोड टिम्बर मार्केट हो, छोटा बाजार हो, बाबापुर रोड, तोपुड़ा रोड, मिला जुला खुला हुआ है कहीं। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका एक छोटा सा कारण ये भी है कि एक नहीं है। नहीं सर, इसका कारण ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म पे ये नोटिस आया। इस चीज़ को समझने और समझाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। जैसे ये पेपर है, डिजिटल इंडिया के समय चल रहा है और शॉर्ट कट नोटिस के अंदर एक व्हाट्सएप मैसेज ही करना है और सबको दुकानें बंद करनी है। सर, ये जो GST के नॉर्म्स आए हैं, ये 4 पेजेस के एक शॉर्ट वो नोटिस है जो शायद इतनी जल्दी ना समझा जा सकता ना पढ़ा जा सकता है। इसके लिए हमको अपने CA की सहायता चाहिए। उन्होंने भी हमें यही बताया कि इसमें कुछ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और इसका पालन करना पॉसिबल ही नहीं है व्यापारी के लिए। तो इसके चलते हमारी मार्केट में भी मिला जुला ही हमें एक असर देखने को मिला है। अगर मुख्य बातें क्या जो GST में आप लोग संशोधन चाहते हैं? सर, हम संशोधन तो ये चाहते हैं कि जो इसमें सख्ताई हुई है उनको नरमाई के रूप में वापस किया जाए। मान लीजिए कोई इंस्पेक्टर राज अगर इसमें आ रहा है इसके प्रावधान के थ्रू, तो हम व्यापारियों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। आपको क्या लगता है, सरकार बैकफुट पे आएगी? देखिए, ऐसा तो आप मैं और हमारे सारे व्यापारी जानते हैं कि ऐसा जनरली होता नहीं है कि सरकार पीछे। थोड़ा सा व्यापारी अगर एक हो जाए और संगठित हो जाए, वो होगा नहीं व्यापारी एक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये हमारी सोचने की बात है। एकता ही शक्ति है। देश आज़ाद हुआ था, सारे लोग एक हुए थे, है ना। आज भी हम एक हैं। हाँ, कई बार ऐसी होती है कि हमारी विचारधाराएं नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम कोशिश करें। सरकार कांग्रेस की नहीं है, सरकार मोदी सरकार की है। सरकार मोदी सरकार पीछे नहीं हटती। जो कह दिया तो कह दिया, जो कर दिया तो कर दिया। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जब व्यापारी सब इकट्ठे होंगे, जब एकता मतलब जो है नजर आएगी, तो मोदी के खिलाफ जाएंगे व्यापारी मोदी के खिलाफ, मतलब जो है कानून के उसके उसमें सॉफ्ट करने के कारण मोदी से कितना कहेंगे जी, हमारे उनको करो आप हमारे बारे में सोचो, संशोधन करें हमारे बारे में। मोदी जी सोचेंगे? हाँ, बिल्कुल सोचना चाहिए उनको। उन्होंने रसोई गैस बढ़ रही है उसके बारे में तो सोचा नहीं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए सोचा नहीं। हाँ जी, वहाँ हमारे अपने व्यापार उससे ले जा सकते हैं। आप भी एक व्यापारी हैं, आप भी जोर तो सबको पड़ता है। जोर सबको पड़ता है। क्या जी, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चलाती है उसके जो टैक्स पेयर हैं वो हम व्यापारी तो हम कोई बहुत बड़ी उसे कह तो नहीं रहे कि इसे ख़त्म कर दो, लेकिन अगर 100 के से अधिक वो अब उसमें तब्दीली कर सकते हैं, तो कोई गलती से अगर हमसे टैक्स रिटर्न भरने में गलती हो गई है तो उसके लिए 50,000 तक का जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो कितना गलत है। हम तो कह रहे हैं भैया हमसे ले लो, लेकिन कम से कम ये इस तरह की जो छोटी मोटी मिस्टेक है इन्हें इग्नोर मारो उस पर। हमारे तो जितनी भी आप स्कीम देख लो, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे कितनी भी योजनाएं हों, वो लिया तो अल्टीमेटली हमसे ही जा रहा है पैसा। तो हमारी अगर इतनी सी भी बात वो नहीं मानेंगे तो फिर फायदा क्या है उसका? क्योंकि सरकार बैकफुट पे नहीं आएगी। सरकार ने जो कह दिया, सरकार 100% बैकफुट पे आएगी। और तब जब व्यापारी एक होगा, जब व्यापारी एक होगा और GST में उन्होंने बार बार परिवर्तन करे हैं तो ये भी परिवर्तन वो कर देंगे, ऐसा नहीं। हमारे साथ बिन्नी वर्मा जी हैं। बिन्नी वर्मा जी, कौन कौन सी एसोसिएशन आपके साथ आज खड़ी होने के लिए आई थी, जरा उनके नाम बताएंगे जी। हमारे साथ यहाँ पर अपनी अपनी मार्केट्स में जो है वो शिवाजी पार्क एसोसिएशन है, रोहतास नगर मार्केट एसोसिएशन है, हमारी मंडोली रोड मार्केट एसोसिएशन है, और महाराजा अग्रसेन अशोकनगर, 100 फुटा रोड दुर्गापुरी, और ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन। इन सब ने सहयोग दिया था भारत बंद का? हाँ जी, इन सब ने सहयोग दिया था और सबने अपनी मार्केट में कल से, एक दिन पहले से ही सूचना व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे चालू कर दी थी।
और उन्हें भी मुझे ऐसा महसूस होता है इन पर्सन की वहाँ पर भी मिला जुला असर है। बहुत देर हो गई है हमें तो यहाँ पर बैठे हुए, और अब देखिए इस समय 1 बज रहा है और अभी तक भी बहुत सारी दुकानें और जितने हमारे दुकानदार भाई खड़े हैं वे भी आज अभी इंतजार ही कर रहे हैं कि हम एक बार उनके पास जाएं और उनके बंद का समर्थन करें। अगर आज कोई समाधान नहीं निकलता है तो कल आप लोगों का क्या डिसीजन? देखिए अगर आज कोई समाधान नहीं निकलता है फिर भी हम हमारे जो अध्यक्ष है CIAT के, हम उनके ऊपर ये एक डिसीजन छोड़ेंगे, वो कुछ ना कुछ इसका हल ज़रूर निकालेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी है उन पे वो हमेशा से जनता और लोगों के बारे में सोचते आए हैं और अपेक्षा यही है कि व्यापारियों को भी उनका समर्थन और साथ मिले और इस प्रकार के जो GST के सख्त कानून आए उनसे हमें बरी कराया जाए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी एक व्यापारी हैं, इस पे क्या कहेंगे? हम लोगों ने ये जो 1 बजे तक का बंद रखा है ये इन नए जो रूल आए हैं GST के इन ये बहुत ही गलत हैं और इनका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं और इसीलिए 1 बजे तक का बंद कॉल किया है हमने।